वेलकम टू जेसी कैंपस। आज हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज संजय सिंह नेगी और मैं आपको मैथ्स में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जो हमारा ये वीडियो होगा इसके क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे, और जो फाइनल हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो हायर लेवल्स के क्वेश्चंस होंगे उसके साथ साथ जो अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको देंगे, जो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और आफ्टर सम टाइम्स हम आपको उसका एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि एसआई में बेसिकली क्या क्या चीजें होती है। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होते हैं बेसिकली आपके, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम्स में क्या होते हैं, एसआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, यानी कि पी क्या करता है, मूलधन को रिप्रेजेंट करता है। आपका मूलधन वो अमाउंट होता है जो हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। लेट अस सपोज आपने क्या किया, 5,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज की दर, यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड करता है। लेट अस सपोज बैंक कह रहा है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो यानी कि आपको क्या कर रहा है, 100, अगर आपके रुपीज 100 है तो 100 पे वो आपको एक साल में 10 रुपए का ब्याज दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका टाइम। टाइम आपका वो माने जितने ड्यूरेशन के लिए आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हो वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, और लास्ट में होता है आपका ए, और ए स्टैंड्स फॉर अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, आपका मिश्र धन, यानी कि आपने 1,000 रुपए बैंक में रखे और ब्याज के साथ आपको 2 साल के बाद 1,050 रुपए या 1,1100 रुपए या 1,200 रुपए आपको मिल गए। ठीक है ना, तो जो आपको एडिशनल अमाउंट मिला वो तो आपका इंटरेस्ट हो गया, बट इंटरेस्ट को अगर आप मूलधन में ऐड कर दोगे, यानी कि इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे, तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो बेसिक एसआई का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल मूलधन, आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, टी स्टैंड फॉर टाइम यानी कि समय, और ए स्टैंड फॉर अमाउंट। ठीक है, अब बेसिकली कई बार हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वहां पे हमें पी दिया हुआ होता है, एसआई दिया हुआ होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है, हमें टाइम फाइंड आउट करना होता है। तो या कई क्वेश्चंस में हमें इन तीनों चारों वेरिएबल्स में से कोई भी 3 वैल्यूज गिवन होंगी और फोर्थ वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम जैसे अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूं, ये 100 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इट विल बी एसआई इंटू 100 अपॉन, अब क्या हो जाएगा आपका, आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो बचा पी और टी, तो पी इंटू टी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है ना, बट अगर आपको यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे टाइम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लगभग सेम रहेगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब भी आप सॉल्व करो, कई लोग क्या करते हैं इनिशियल इसी फॉर्मूले को लिखते हैं फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फिर से वो इस पोजीशन पे आ जाते हैं। तो बट आपको क्या करना है कि आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, एसआई इंटू 100 अपॉन पीटी, या आपको अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, और इसमें एक बेसिक चीज है जैसे अमाउंट होती है। ठीक है ना, मैंने कहा कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि अगर आप प्रिंसिपल में एसआई ऐड कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, एसआई को लिख सकते हैं
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पे p कॉमन ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं यहां पे p कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है ना, इक्वल टू a। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है और टाइम दिया हुआ होता है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना होता है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी अपॉन 100, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे क्या दिया हो, कई बार अमाउंट गिवन होता है और मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है, तो इस केस में क्या होगा, P तो यही रहेगा बट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। यानी कि अगर मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और मुझे अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, P इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपका A अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो वैल्यूज क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है, कई बार जैसे अब जो टाइम की वैल्यू होती है, लेट अस सपोज उसने आपको टाइम दे दिया 2 1/2 years, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इस टाइम को कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 2 years। तो आप इसको क्या कर लोगे, एक मिक्स्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन अभी तो आपको यहां पे टाइम ईयर में गिवन है, लेट अस सपोज आपको टाइम क्या हो, मंथ में गिवन हो, आपको टाइम क्या हो, मंथ में गिवन हो, उसने कह दिया कि आपके पास टाइम है 6 मंथ, आपके पास टाइम क्या है 6 मंथ, बट आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअल दिया हुआ है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वार्षिक दे रखा है, एनुअल दे रखा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 6 मंथ को 12 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक साल में क्या होते हैं 12 महीने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा, जब आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 year, ये हो जाएगा आपका 1/2 year, ठीक है ना। अब अगर आपके पास कई बार डेज में क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, डेज में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, लेट अस सपोज उसने कह दिया कि द नंबर ऑफ डेज आर 73, यानी कि कोई क्या कर रहा है, 73 डेज के लिए कोई पैसा बैंक में रख रहा है, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बट वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एनुअल दे रखा है, यानी कि वार्षिक दे रखा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 73 को 365 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में क्या होते हैं 365 दिन होते, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 year, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 year, ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक्स हैं इसके। अब हम क्या करेंगे, इनपे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी 5000 है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 5000 है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 6 2/3% है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 2/3% है, लेकिन जो आपका टाइम है वो आपका 6 ईयर है, आपका टाइम क्या है 6 ईयर्स है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 2/3% है तो अमाउंट कितना होगा 6 साल के बाद, ठीक है ना, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या कर लो, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100, आप क्या कर लो, अगर अमाउंट आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना, तो यहां पे हमें पी की वैल्यू गिवन है, इट इज 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें 6 3 2/3%, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, इट विल बी 20/3, इट विल बी
20/3। तो आप क्या कर सकते हो, रेट की जो आप 20/3 लिख लोगे तो ये हो जाएगा आपका 20/3 और टाइम आपका 6 इयर्स है तो इनटू 6 और अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और 2 2 4, बट ये 0 से मैं क्या करूंगा, 0 कैंसिल कर लूंगा और ये हो जाएगा आपका 4/10। ये क्या हो जाएगा आपका 4/10। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 5000 इनटू 1 प्लस, अब क्या हो जाएगा 2 इनटू 2, इट विल बी 4/10, इट विल बी 4/10, ठीक है ना। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनटू 1 10, 10 प्लस 4 14 14/10। अब मैंने यहां पे इसको सॉल्व फर्दर सॉल्व कर सकता था बट मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे 0 है तो 0 से क्या होंगे, 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5000 इनटू 14/10, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 14 5 70। अब इसमें क्या होंगे, जो दो एडिशनल जीरोस हैं वो यहां पे ऐड हो जाएंगे, वो क्या होंगे यहां पे ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 7000। वो कितना हो जाएगा, 7000। यानी कि अगर आप क्या करते हो, प्रिंसिपल आपने 5000 रुपए बैंक पे रखे, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 2/3% मिल रहा है और आपका जो टाइम है वो 6 इयर्स है, तो इस केस में आपको 7000 रुपए वापस मिलेंगे 6 साल बाद, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके, जैसे मैंने अभी यहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर दिया था, अब लेट सपोज आपको टाइम दिया हुआ, उसने कह दिया कि आपके पास जो अमाउंट है 3250 रुपीज है, कितना है 3250 रुपीज है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू है आपकी 12%, उसकी वैल्यू क्या है 12%, ठीक है ना। बट आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो कह रहा है कि टाइम है आपका 9 मंथ, टाइम आपको दिया हुआ है 9 मंथ। बट इस केस में जब आपके पास टाइम 9 मंथ दिया हुआ है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो एनुअली दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इट विल बी 3/4 इयर्स, इट विल बी 3/4 इयर्स। ये क्या हो जाएंगे, 3/4 इयर्स हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, तो P की वैल्यू है 3250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है आपका कितना 3/4/100। मैं 4 से क्या करता हूं, इसको कैंसिल कर लेता हूं, तो 4 3 12, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 3 12। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 3 3 9 और 10 से यहां पे 10 कैंसिल कर लो पहले, ठीक है ना। आप इसको फर्दर और भी कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 2 10, 5 6 30 और 5 5 25, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका 65 इंटू 9, यह आ जाएगा आपका 65 इंटू 9/2, ठीक है ना। तो या तो आप क्या कर लो, इनको पहले डिवाइड कर लो, बट इसमें क्या रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद डिवाइड कर लो। तो क्या हो जाएगा, 9 5 45 45 का 5 4 कैरी, 9 6 54 और 54 में क्या करेंगे आप, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 58, आपका 54 हुआ, 58 हो जाएगा और इसको मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 9 18 और बचा आपका 5, तो 2 2 5 2 2 4, पॉइंट लगा दूंगा 0 आ जाएगा और 2 5 10। यानी कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है 3250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और आपका जो टाइम है वो 3/4 इयर्स है, तो उस केस में आपको क्या होगा, 292.50 रुपीज एज ए इंटरेस्ट मिलेगा, एज ए क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये कहता है इस टाइप के क्वेश्चन पे कि एन अमाउंट बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये कह रहा है एन अमाउंट बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। एक बार फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एन अमाउंट बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। ये कह रहा है कोई धन 5 सालों में अपना 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना, कोई धन 5 सालों में क्या होता है, अपना 3 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी, आपने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो एक में नॉर्मल सा फॉर्मूला है आपको ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला होता है आपका 100 × n-1 अपॉन, क्योंकि यहां पे आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम यहां पे आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। आपने वैल्यूज क्या करनी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखनी है और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये जो एन है, जैसे यहां पे जितने टाइम्स होगा, जैसे 3 टाइम्स हो जाएगा तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 टाइम्स होगा तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 टाइम्स होगा तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 100 × 2। अब ये क्या हुआ, 3 टाइम्स हुआ तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3 − 1 अपॉन, टाइम कितना है आपका 5 ईयर्स इक्वल टू आर। तो क्या हो जाएगा, 3 − 1 = 2 और 2 × 100 200, तो 200 को आप 4 से 5 से डिवाइड कर दोगे। 200 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 × 20 इट विल बी 40%। यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 40% हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो और चाहे एसएससी का एग्जाम हो, क्योंकि यहां पे क्या होती है, एक सिंपल सी ट्रिक यूज हो रही है और जिसको ट्रिक पता है तो वो क्या कर सकता है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और अपना टाइम सेव कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इसमें अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, अभी तक तो हमने क्या किया, वो क्वेश्चन किए जिसमें वो कह रहा था कि एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ या 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बट यहां पे क्या कहता है, वो एसआई के लिए कहता है। ठीक है ना, वो कह रहा है कि द एसआई बिकम्स 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स। एक बार फिर से देख लो, ये कह रहा है कि एन अमाउंट बिकम्स, एसआई बिकम्स 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो यहां पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है जो एसआई है वो प्रिंसिपल का क्या हो जाता है, 1/5 हो जाता है। प्रिंसिपल का क्या होता है, 1/5 हो जाता है। तो टाइम आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसमें भी आपका एक नॉक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है आपका 100 × n अपॉन, आपको टाइम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा t = r। तो यहां पे आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो ये n की वैल्यू होगी जितने टाइम्स वो हो रहा है, जैसे यहां पे 1/5 टाइम्स हो रहा है तो n की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। अगर यहां पे 2/5 टाइम्स होता या 4/5 टाइम्स होता तो n की वैल्यू उतनी हो जाती, या 4 टाइम्स भी होता तो n की वैल्यू 4 हो जाती। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 100 × अब n की वैल्यू है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 अपॉन टाइम। अब आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, तो ये हो जाएगा × 2 = r। तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 = 10, 100 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, 10%। यानी कि अगर आपका कोई अमाउंट एसआई 2 साल में प्रिंसिपल का 1/5 हो जा रहा है, ठीक है ना, तो आपकी जो ब्याज की दर होगी वो 10% होगी। जो आपकी ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, 10% होगी। ठीक है ना, तो यहां पे कई बार क्या होता है कि जैसे यहां पे टाइम दिया हुआ है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको क्या करे, टाइम की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे और आपसे टाइम पूछ ले, तो उस केस में क्या करोगे, आप रेट को इधर ट्रांसफर कर दोगे और टाइम को इधर ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स एन अमाउंट ऑफ 5000 बिकम्स 6500 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि कितने सालों में 5000 रुपए 6500 बन जाएंगे जब आपका ब्याज की दर क्या हो, 10% वार्षिक हो। ब्याज की दर क्या हो, 10% वार्षिक हो, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं, ये आपका पी है और ये आपका ए है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यूज में यहां पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 6500 में से प्रिंसिपल, या इसको ऐसे भी देखियो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू एसआई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6500 माइनस 5000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1500 इज इक्वल टू एसआई, ठीक है ना। बट मुझे तो क्या करना है, यहां पे टाइम निकालना है। मुझे क्या करना है, यहां पे टाइम निकालना है। तो मैंने आपको शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, जब आपको टाइम निकालना होता है तो क्या हो जाता है आपका एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, तो आपके पास प्रिंसिपल है 5000, एसआई है 1500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो ये वैल्यूज में क्या करूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 100 अपॉन 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है ना। तो 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है ना। तो 5 3 15, यानी कि आपका जो टाइम होगा वो होगा 3 years, आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, 3 years होगा, ठीक है ना। तो इसमें अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, अब जो नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चंस आपके पास एसआई में पूछे जाते हैं, उसमें जैसे उसने कह दिया कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 800 बिकम्स 920, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 800 बिकम्स 920 इन 3 years, इन 3 years, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक 800 रुपए का मूलधन है वो क्या होता है, 3 साल के बाद 920 हो जाता है, यानी कि अमाउंट है, मिश्र धन है आपके पास, ठीक है ना। तो ये कह रहा है एंड दिस अमाउंट इन 5 years बिकम 1000, बिकम्स 1000, और ये क्या होती है, 5 सालों में 1000 हो जाती है, 5 सालों में क्या होती है, 1000 हो जाती है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, आपसे क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं, किसको लिख सकता हूं, प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का एसआई, यानी कि यहां पे 3 साल के लिए रख रहे हैं तो 3 साल का एसआई मिल रहा होगा। नेक्स्ट है आपका यहां पे 5 इयर्स के लिए रख रहा है, यानी कि ये जो 1000 अमाउंट है ये प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का एसआई है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 5SI से 3SI माइनस हो जाएगा। तो अगर आप 5SI से 3SI माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2SI, और यहां पे 1000 से आपका 920 माइनस हो जाएगा, 1000 से क्या होगा, 920 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, ये कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना। तो यानी कि 2SI इक्वल टू 80 है, 2SI इक्वल टू कितना है, 80 है। तो यहां से अगर आप SI की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80/2 यानी कि 40, यानी कि आपका जो SI हो गया 1 ईयर का वो 40 हो गया, वो कितना हो गया, 40 हो गया। बट मुझे तो क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाता है, SI इंटू 100
अपॉन पी इंटू टी। बट थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एसआई है ये एक साल का एसआई है, ये जो एसआई है ठीक है एक साल का एसआई है, तो यहां पे एसआई आपका हो गया 40 इंटू 100 अपॉन पी, प्रिंसिपल कितना था आपका 800 इंटू, अब टाइम आपका क्या हो जाएगा वन ईयर हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा ये जो इंटरेस्ट है हमारा एक साल का इंटरेस्ट है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गए और 8 5 40 यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है ना। तो होप आपको जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने कोशिश की समझाने की वो आपको समझ में आया होगा, और बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं जो है आपकी www.jccomcampus.org। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू कैन टाइप JC कैंपस इन YouTube चैनल, तो आपको वहां पे हमारा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको हमारे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है जिसने उत्तराखंड के या स्टेट लेवल के जो वीडियोज़ होते हैं वो बनाए हैं, जो कि काफ़ी फ्री भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको और डीपर वीडियोज़ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पैकेज भी खरीद सकते हैं, जो आपके SSC के रिगार्डिंग या बैंकिंग के रिगार्डिंग या स्टेट लेवल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी वीडियो पैकेज की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे लिखे रहे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।